हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना हुस्न दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिस तरह से आप लोग होम्योपैथिक वाइंस को पसंद कर रहे हैं, लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है 50,000 का, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं वो है मेंथा पिपरेट, इंडियन पिपरमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। इस मेडिसिन, अनकॉमन रेयर मेडिसिन के बारे में हो सकता है किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं बताया गया हो, तो विस्तृत जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक हमारे चैनल होम्योपैथिक वाइंस के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेंथा पिपरेट, इंडियन पिपरमेंट कहते हैं इसे हम लोग। ये स्पेशली इंडियन गार्डन में कल्टीवेट होने वाला एक पौधा है, प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड है। और इसके अलावा आप लोग इसे नॉर्थ अमेरिका, जापान और यूएसए में भी कल्टीवेट होता हुआ देख सकते हैं। इस पौधे की बनावट या हाइट की बात कर लें तो 30 से 90 सेंटीमीटर के लगभग इस पौधे की हाइट होती है। इसके अंदर जो फूल लगते हैं वो पर्पल कलर के लगते हैं। और बॉटनिकल दृष्टि से इसे देखा जाए तो इसकी जो सबसे मजबूत या कह लीजिए ताकत होती है वो उसके अंदर पाए जाने वाले एसिड जो होते हैं मेंथॉल और फिनोलिक एसिड, जो कि इसे मेडिसिनल प्लांट बनाने के लिए काफी होते हैं। इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो जड़ों को छोड़ दिया जाए, रूट्स को छोड़ दिया जाए, तो पूरा प्लांट ही होम्योपैथिक में जो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, एक्सक्लूड द रूट्स, टोटल प्लांट यूज फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इसका लोअर पोटेंसी मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मदर टिंचर या 1x पोटेंसी मेंथा पिपरेट की बहुत उपयोगफुल रहती है। तो आइए बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा पिपरमेंट का, आप लोग जानते होंगे कूलिंग इफेक्ट होता है इसका, इसीलिए अकुमुलेशन ऑफ द गैस, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुलेंट कॉलिक या फिर इन्फेंटाइल कॉलिक, बच्चों में स्पाजमोडिक कॉलिक होता है, पेट में ऐठन या मरोड़े पड़ती है, गैस ज्यादा बन जाती है, बड़ों में भी इसी तरह से जी मचलाता है, उल्टी जैसा जी होता है, डकारें आती हैं, खाना पचने में बहुत दिक्कत होती है, आफरा जिसे कहते हैं उसके अंदर मेंथा पिपरेटा का आप 10 से 15 बूंद लेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही स्किन की ऐसी डिजीजेस जहां पर हर्पीस ज़ोस्टर है वहां पर भी ये बहुत उपयोगी है, स्पेशली गायनिक फीमेल्स पेशेंट के अंदर वजाइनल प्रूराइटिस के तरह जो है क्लिनिकली हम इसे लोकली अप्लाई कर सकते हैं पानी में मिक्स करके एज इक्वल प्रोपोर्शन, तो वॉश के रूप में भी एक तरह से काम आता है, हाइजीन मेंटेन रखता है मेंथा पिपरेटा फीमेल्स पेशेंट की बात करें। और लास्टली जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोल्ड जो एयर होती है उससे लैरिंग्स पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वोकल कॉर्ड पे उसके खांसी बनी रहती है और फॉग से, स्मोक से, डस्ट से एलर्जी रहती है, तो कोल्ड एयर से एग्रावेशन रहता है इस जिस किसी पेशेंट को, तो हम लोग रिमैक्स क्रिसमस की तरह मेंथा पिपरेटा का क्लिनिकल उपयोग कर सकते हैं। बट होल एंड सोल समरी में याद रखिएगा कि मेंथा पिपरेटा वहां काम में आती है जहां पर डाइजेशन अपसेट हो, अकोमुलेशन ऑफ गैस का पेट में हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, भारी हो रहा हो, जी मचला रहा हो, उल्टी जैसा जी हो, वहां पर मेंथा पिपरेटा का यूज होता है। तो आशा करता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट होम्योपैथिक मेडिसिन मेंथा पिपरेटा इंडियन पिपरमेंट के बारे में जो भी जानकारी आपको देगी उससे आप संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष हाजिर होगा, तब तक लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।